दोस्तों यूं तो मिथुन चक्रवर्ती भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक सुपरस्टार का दर्जा ही पाते हैं और इसीलिए इनके चाहने वाले भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में फैले हुए हैं। वैसे मिथुन चक्रवर्ती ने अपने संपूर्ण करियर में कई तरह की फिल्में की जिनमें कभी ये डिस्को डांसर के तौर पर पहचाने गए तो कभी एक रोमांटिक हीरो के तौर पर, लेकिन 90s यानी कि मिथुन के ढलान के करियर पर इन्हें के एक्शन हीरो के तौर पर पहचाना जाने लगा। जिस दशक में इन्होंने कई सस्ते बजट की ढेरों फिल्मों में अभिनय किया जो कि फटाफट रिलीज हो जाती थी। जिन फिल्मों में ऐसी कई खूबसूरत अभिनेत्रियों ने काम किया है जिनके बारे में कोई नहीं जानता, तो आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम जानने वाले हैं मिथुन चक्रवर्ती की 90s की कुछ फिल्मों की अभिनेत्रियों के बारे में। तो इस लिस्ट में हमारे पहले नंबर पर हैं शालिनी कपूर। अरे नहीं नहीं, तुम मत जाओ, मैं यही सो जाती हूँ। लेकिन ना एक बात है। क्या बात है? वो क्या है ना, मेरी नानी कहा करती थी शादी से पहले ना लड़के और लड़की को एक साथ नहीं सोना चाहिए। शालिनी कपूर का जन्म 4 जनवरी सन 1976 को कलकत्ता शहर में हुआ। इन्होंने थिएटर से निकलकर फिल्मों और कई टेलीविजन सीरियल में काम करके एक अलग पहचान कायम की है। वैसे इन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत टीवी सीरियल दास्तां से की थी। इसके बाद इन्होंने देवो के देव, महादेव कबूल है, सौरागिनी, हम कहां तुम कहां और विष्णु पुराण जैसे टीवी सीरियल में अभिनय किया। अगर बात करें इनके फिल्मी करियर की तो इन्होंने बॉलीवुड की कुछ ही फिल्मों में अभिनय किया है। इन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के साथ सन्यासी, मेरा नाम, माँ कसम जहरीला और आज का रावण जैसी फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें ये दो फिल्में आज का रावण और सन्यासी मेरा नाम में मिथुन चक्रवर्ती की हीरोइन के तौर पर नजर आईं और फिल्म माँ कसम और जहरीला में सिर्फ एक गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर काम करती दिखीं। यही वजह है कि हिंदी सिनेमा के दर्शक इनके नाम से शायद कम ही वाकिफ हैं। अगर बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की तो इन्होंने सन 2008 में रोहित सागर से शादी की जिसे आज एक बेटी आध्या की माँ बन चुकी हैं और साथ ही फिल्म में वेब सीरीज और टेलीविजन सीरियल्स में काम करती रहती हैं। इस लिस्ट में हमारे दूसरे नंबर पर हैं वाणी विश्वनाथ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें किसी किस्म का खतरा पैदा हो। नहीं बोला, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। तुम नहीं जानते मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। वैसे वाणी विश्वनाथ मुख्य रूप से मलयालम और तेलुगु सिनेमा की अभिनेत्री हैं, साथ ही साथ इन्होंने तमिल, कन्नड़ा और हिंदी भाषा की कुछ फिल्मों में अभिनय किया है जिनमें भीष्मा, जंग और जख्मी सिपाही जैसी फिल्में शामिल हैं। वाणी गणपति का जन्म 13 मई सन 1971 को केरल में हुआ। इन्होंने ओल्लूर और फिर चेन्नई से अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की। वाणी गणपति एक अभिनेत्री बनने का ख्वाब बचपन से ही रखती थी, इसीलिए इन्होंने अपनी मातृभाषा में ही फिल्में करनी शुरू कर दी और धीरे धीरे इन्होंने साउथ फिल्म इंडस्ट्री की लगभग हर भाषा की फिल्मों में काम किया, जिनमें ये ममूटी और चिरंजीवी जैसे साउथ फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकारों के साथ काम करती दिखी और साथ ही इन्होंने साउथ की कई फिल्मों में बहादुरी से कई पुरुषों का मुकाबला भी किया है क्योंकि इन्होंने फिल्मों में आने से पहले ही मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले ली थी। अगर बात करें इनके बॉलीवुड में करियर की तो इन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के साथ भीष्मा, जंग और जख्मी सिपाही जैसी फिल्मों में अभिनय किया है, जिनमें वाणी गणपति भीष्मा और जंग फिल्म में मिथुन की हीरोइन के तौर पर काम करती दिखी। वहीं फिल्म जख्मी सिपाही में ऋतुपर्णा सेन गुप्ता ने मिथुन की प्रेमिका का किरदार निभाया है। इन्होंने सन 2001 में मलयालम एक्टर बाबूराज से शादी की जिससे इनकी दो बेटियां हुई, बड़ी बेटी अर्चा और छोटी बेटी अधरी। दोस्तों इस लिस्ट में हमारे तीसरे नंबर पर हैं शांति प्रिया। ये क्या किया तूने? तुम चुप रहो माँ, मेरी जिंदगी में आग लगाकर तुझे चैन नहीं मिला जो ये भीख देकर हमारी बेइज्जती करने आई है? स्नेहा निकल जा यहाँ से, तू मरेगी तभी मुझे सुकून मिलेगा। तूने और तेरे दो कौड़ी के दलाल बाप ने मेरे रवि को मुझसे छीन लिया है। दरअसल शांति प्रिया मुख्य रूप से तमिल और तेलुगु सिनेमा की अभिनेत्री रही हैं। इनका जन्म 22 सितंबर सन 1969 को राजामुंडरी आंध्र प्रदेश में हुआ। इन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत सन 1987 की तमिल फिल्म इंगा ओरु पट्टुकरण से की। इसके बाद ये कुछ वर्षों तक तमिल के साथ साथ तेलुगु की कई बेहतरीन फिल्मों में काम करती दिखी जिनमें इन्होंने साउथ के कई बेहतरीन एक्टर्स के साथ स्क्रीन शेयर की। वैसे शांति प्रिया साउथ की फिल्मों में तो काम कर ही रही थी लेकिन फिर इन्होंने सन 1991 की हिंदी फिल्म सौगंध में काम करके हिंदी सिनेमा में पदार्पण किया। इसके बाद इन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के साथ मेरे साजन साथ निभाना, फूल और अंगार और मेहरबान जैसी फिल्मों में शानदार काम किया जिसके लिए शांति प्रिया को हिंदी फिल्मों के दर्शकों से खूब तारीफें मिली। लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने हिंदी तो हिंदी, साउथ की फिल्मों में भी काम करना बंद कर दिया। शांति प्रिया ने सन 1999 को बी शांताराम के पोते एक्टर सिद्धार्थ रे से शादी की जिससे इनके दो बेटे हुए। लेकिन सन 2004 में ही दिल का दौरा पड़ने की वजह से सिद्धार्थ रे ने 40 वर्ष की उम्र में ही
इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आपको बता दें, शांति प्रिया साउथ की जानी मानी अभिनेत्री भानु प्रिया की छोटी बहन है, जिन्होंने साउथ के साथ साथ हिंदी की 150 से भी अधिक फिल्मों में अभिनय किया है और अपने फिल्मी करियर को लेकर आज भी सक्रिय है। भानु प्रिया के शानदार अभिनय से सजी कुछ हिंदी फिल्में रही, इंसाफ की पुकार, खुदगर्ज, मर मिटेंगे सूर्या और कसम वर्दी की जैसी कुछ फिल्में शामिल है। दोस्तों, इस लिस्ट में हमारे चौथे नंबर पर है गौतमी। आंखें खुली तो माँ का चेहरा देखने को तरस गई, और जब कोई इन आंखों में बसा तो उसे भी उसने मुझसे छीन कर इन आंखों को फिर से सुना कर दिया। बेटी, वो देता भी है और छीनता भी। अगर आपने मिथुन दा की प्यार हुआ, चोरी चोरी, आदमी और जनता की अदालत जैसी फिल्में देखी होंगी तो आप इनके चेहरे मोहरे से जरूर परिचित होंगे। जी हाँ, इनका पूरा नाम है गौतमी तड़ीमाला, जो कि मुख्य रूप से तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा भाषा की फिल्मों की अभिनेत्री रही हैं। वैसे इनका जन्म 2 जुलाई सन 1968 को श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में हुआ। इनके पिता का नाम डॉक्टर शेषगिरी राव और माता का नाम डॉक्टर वसुंधरा देवी है, जो कि पेशे से दोनों लोग डॉक्टर हैं। इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई बिशप कॉटन गर्ल्स स्कूल बैंगलोर से पूरी की। इसके बाद इन्होंने विशाखापट्टनम के GITAM गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, लेकिन इंजीनियरिंग में मन ना लगने की वजह से इन्होंने तेलुगु फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया और 1987 से लेकर सन 1998 तक साउथ फिल्म इंडस्ट्री की अधिक सक्रिय अभिनेत्री रहीं और अपने समय की अन्य नायिकाओं खुशबू, रेवती, अमाला और भानुप्रिया के लिए कड़ी प्रतियोगी भी साबित हुई। वैसे साउथ की फिल्मों में तो गौतमी एक सफल अभिनेत्री रहीं, लेकिन वैसी सफलता इन्हें हिंदी सिनेमा नहीं दे पाया। गौतमी ने 1989 की हिंदी फिल्म नकाब से बॉलीवुड में दस्तक दी। इसके बाद इन्होंने मिथुन दा के साथ 90s की कुछ फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें प्यार हुआ, चोरी चोरी, आदमी, जनता की अदालत और सन 1994 की मिथुन चक्रवर्ती अभिनीत तीसरा कौन में एक गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर काम किया, जिनमें इनके काम और खूबसूरती दोनों की खूब चर्चाएं हुई। लेकिन इसके बावजूद भी हिंदी की 2-4 और फिल्मों में काम करने के बाद इन्होंने हिंदी फिल्मों को अलविदा कह दिया, लेकिन अपनी साउथ की फिल्मों में गौतमी जी आज भी सक्रिय हैं। अगर इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो इन्होंने सन 1998 को व्यवसायी संदीप भाटिया से शादी की, लेकिन सन 1999 में ही ये दोनों अलग हो गए। इस लिस्ट में हमारे 5वें नंबर पर हैं ऋतुपर्णा सेन गुप्ता। मास्टर, अब तुम कामिनी का निशाना देखना। कमान जो विजय मेरे निशाने से बच नहीं सकता। समझ न सकोगे तुम हमारे दिल की आग को, और जब समझोगे तो भूल जाओगे अपने आप को। दोस्तों, आपने मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में जख्मी सिपाही, दादागिरी, काली टोपी, लाल रुमाल और सबसे बढ़कर हम जैसी फिल्में देखी होंगी, लेकिन इन फिल्मों में मिथुन दा के साथ हीरोइन का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री ऋतुपर्णा सेन गुप्ता से शायद परिचित नहीं होंगे। दरअसल ये एक बंगाली अभिनेत्री है, जिन्होंने बंगाली की कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है और साथ ही साथ ऋतुपर्णा जी तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, उड़िया और हिंदी भाषा की भी कई फिल्मों में अभिनय कर चुकी हैं। वैसे इनका जन्म 7 नवंबर सन 1970 को कोलकाता, वेस्ट बंगाल में हुआ। दरअसल ऋतुपर्णा कम उम्र से ही कला में रुचि रखती थी, इसीलिए इन्होंने चित्रांशु नामक पेंटिंग स्कूल से चित्रकला, नृत्य, गायन और हस्तशिल्प का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद इन्होंने लेडी ब्रोवर्न कॉलेज से इतिहास सब्जेक्ट में स्नातक भी किया और अपने स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में एमए के लिए आधुनिक इतिहास का अध्ययन करना शुरू किया, लेकिन एक अभिनेत्री के रूप में अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अध्ययन को बीच में ही छोड़ना पड़ा। ऋतुपर्णा सेन गुप्ता ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1989 के बंगाली धारावाहिक से की। इसके बाद तो 1990 तक ये टेलीविजन पर ही सक्रिय रहीं और फिर सन 1992 में इनकी पहली बंगाली फिल्म रिलीज हुई। इसके बाद इन्होंने तब से लेकर आज तक कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और बंगाली के साथ साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया और हिंदी भाषा की कई बेहतरीन फिल्मों में काम कर चुकी हैं। आपको बता दें, ऋतुपर्णा सेन गुप्ता मिथुन दा के साथ 90s की सिर्फ 4 फिल्मों में अभिनय कर चुकी हैं, जिनमें जख्मी सिपाही, दादागिरी, काली टोपी, लाल रुमाल और सन 2002 में रिलीज फिल्म सबसे बढ़कर हम जैसी फिल्में शामिल हैं। अगर इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो इन्होंने अपने बचपन के लवर संजय चक्रवर्ती से शादी की, जिससे आज ये 2 बच्चों की माँ बन चुकी हैं, बेटा अंकन चक्रवर्ती और बेटी रिशोना निया चक्रवर्ती। इस लिस्ट में हमारे 6 नंबर पर हैं सोमी अली। करो माँ, चेरी और उसके साथियों को बिल्कुल पता नहीं कि मैं इंस्पेक्टर सावंत की बेटी हूँ और उनके गिरोह में अपने पिता के मौत के इंतकाम के लिए शामिल हुई हूँ। लेकिन बेटी, उन्हें पता चल गया तो समझ लेना तुम्हारी 2 नहीं 1 ही बेटी थी। मैं कभी पैदा ही नहीं हुई।
इन्होंने मिथुन दा की 1993 की कृष्ण अवतार, 1994 की यार गद्दार और 1994 की ही तीसरा कौन फिल्म में अभिनय किया है। वैसे सोमी अली का जन्म 25 मार्च सन 1974 को कराची पाकिस्तान में हुआ। दरअसल इनकी माँ तहमीना एक इराकी और पिता पाकिस्तानी हैं। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई लिखाई कराची से ही पूरी की। इसके बाद सोमी अली अपनी माँ और भाई के साथ फ्लोरिडा यूएसए चली गई, जहाँ इन्होंने सलमान खान की रोमांटिक फिल्म मैंने प्यार किया देखी। बस फिर क्या था, सोमी अली सलमान को दिल से चाहने लगी। इसके बाद ये सलमान की खातिर फ्लोरिडा से मुंबई आ गईं, जहां इन्होंने मॉडलिंग भी करनी शुरू कर दी और फिर इन्होंने फिल्म बुलंद में काम किया जो कभी रिलीज ही ना हो सकी। लेकिन सन 1994 की फिल्म अंत में सुनील शेट्टी के साथ मुख्य अभिनेत्री के तौर पर काम करती नजर आईं। सोमी अली ने अपने 5 से 6 साल के करियर में मात्र 8 फिल्मों में अभिनय किया है, जिनमें मिथुन चक्रवर्ती के साथ कृष्ण अवतार, यार गद्दार और तीसरा कौन जैसी फिल्में शामिल हैं। जिन फिल्मों में सोमी अली ने मिथुन दा के साथ अपने अभिनय के जौहर दिखाए और इसके साथ ही अभिनेता सलमान के साथ लगभग 8 वर्ष तक रिलेशनशिप में भी रहीं, लेकिन इस रिश्ते को कामयाबी ना मिल सकी। इसके बाद इन्होंने सन 1999 में अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखने के लिए फ्लोरिडा फिर से वापसी कर ली, जहां इन्होंने सन 2003 में न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी से फिल्म निर्माण निर्देशन, पटकथा लेखन और फिल्म संपादन में डिग्री हासिल की। और फिर इन्होंने गर्भपात, घरेलू हिंसा और किशोर आत्महत्या जैसे विषयों पर शॉर्ट फिल्में भी बनाई। तो दोस्तों, ये थी कुछ खूबसूरत अभिनेत्रियों की कहानी जिन्होंने मिथुन चक्रवर्ती की 90 के दशक की कई फिल्मों में शानदार काम किया है। लेकिन इसके बावजूद भी ज्यादातर दर्शक ऐसे होंगे जो कि इनके बारे में आज से पहले नहीं जानते होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए सभी अभिनेत्रियां अनजान नहीं रही होंगी। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको अगले वीडियो में किस अभिनेत्री की कहानी जाननी है। चलते चलते आपसे कहेंगे कि अभी तक आपने आस्था फिल्म चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बॉलीवुड के इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।